सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयशंकर, एससीओ समिट जो कि इस वक्त पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस्लामाबाद में। दरअसल वहां विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हैं, हालांकि ये बहुत छोटा उनका दौरा रहने वाला है, 24 घंटे से भी कम वो समय वहां बिताने वाले हैं। और 9 सालों में अगर हम देखें तो कोई विदेश मंत्री वहां पर पहुंचा, इससे पहले सुषमा स्वराज वहां पर पहुंची थी अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर बातचीत होने, लेकिन 9 साल बाद भारत के कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान दौरे पर हैं। हालांकि ये भी जाने से पहले विदेश मंत्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी द्विपक्षीय वार्ता यानी पाकिस्तान और भारत के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं होनी है, एससीओ समिट है और इस समिट के लिए ही वो पहुंचे हैं। हालांकि पाकिस्तान लाख कोशिश करे लेकिन भारत की तरफ से एक संदेश और एक मैसेज स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी स्थिति में आतंकवाद पर जब तक नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक बातचीत के दरवाजे ऐसे ही बंद रहेंगे। बैठक के बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने हैं। इस्लामाबाद को पूरी तरीके से सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई थी क्योंकि वहां प्रमुख जो है वो पहुंच रहे थे। एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकले थे जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में, राष्ट्राध्यक्षों की ये बैठक होने वाली है। हालांकि शुरुआत में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का स्वागत भाषण है, इससे पहले उन्होंने डिनर भी दिया। गीता भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। गीता, जरा आज का पूरा प्रोग्राम बता दीजिए। जी बिल्कुल, अभी अगर आप देखें डॉक्टर जयशंकर जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं और शहबाज शरीफ जो यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने उन्हें रिसीव किया और अभी गेस्ट आ ही रहे हैं। आप विजुअल्स पीछे देख भी सकते हैं, लीडर्स अभी आ रहे हैं, शहबाज शरीफ इंतजार कर रहे हैं और हर एक लीडर को वेलकम कर रहे हैं। इसके बाद जो ओपनिंग रिमार्क्स है वो होगा, ओपनिंग रिमार्क्स के बाद कंट्री स्टेटमेंट्स होंगे। डॉक्टर जयशंकर का जो कंट्री स्टेटमेंट, जी तो फिलहाल गीता कुछ कनेक्शन की दिक्कत है, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें जरूर जो वहां से आई है, 9 साल के बाद किसी विदेश मंत्री का पाकिस्तान में दौरा। आपको बता दें लगातार जो आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से परोसी जाती हैं भारत में और उसी को लेकर भारत ने अपना जो रुख है वो बहुत स्पष्ट रखा है। आज जब विदेश मंत्री वहां पर है, इससे पहले जब वो जाने वाले थे, हालांकि कुछ खबरें ये भी थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदेश मंत्री वहां शामिल हो सकते हैं, न्योता प्रधानमंत्री को गया था लेकिन विदेश मंत्री वहां पहुंचे हैं। पहले था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ सकते हैं लेकिन ऐसे में फैसला लिया गया कि वो वहीं पर पहुंचे हैं। बहुत छोटा उनका ये दौरा रहने वाला है, 24 घंटे से भी कम वो समय वहां बिताएंगे और जाने से पहले ही उन्होंने तस्वीर साफ कर दी थी कि कोई भी द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान के साथ नहीं होनी है। यानी भारत ने अपना संदेश बिल्कुल कड़ा रखा है कि आतंकवाद जब तक खत्म नहीं करेगा पाकिस्तान, भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान को कई मोर्चों पर इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। इससे पहले राजनाथ सिंह को भी आपने सुना, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, कई लोगों के सामने हाथ फैलाकर फंड की मांग करता नजर आता है। राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि अगर भारत के साथ संबंध अच्छे होते तो हम ही फंड करते, लेकिन वो संबंध पाकिस्तान ने अच्छे बनाए नहीं, आतंकवाद परोसने की वजह से आज खुद वो गड्ढे में घुसता जा रहा है। पाक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से हमारी सहयोगी गीता मोहन ने खास बातचीत की, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रवक्ता पाकिस्तान में मुमताज जहरा बलोच जुड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ बात करने के लिए। एससीओ का समिट हो रहा है, बड़े एक्सपेक्टेशंस क्या है, एजेंडा में क्या है पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये जो कल मीटिंग जा रही है एससीओ की, इसमें फोकस वुड बी ऑन इकोनॉमिक मैटर्स, क्लाइमेट चेंज है, कनेक्टिविटी इश्यूज हैं और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इंटरनेशनल इस वक्त एनवायरनमेंट है जिससे सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड है, विच इज़ इम्पैक्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन। सो जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस पर एससीओ के ममालिक मिलकर एक लाया अमल तैयार करेंगे जिस पर हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कुछ दिनों से डिस्कशंस कर रहे हैं और एक उन्होंने ड्राफ्ट बनाया है जो कल लीडर्स के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद एक डिक्लेरेशन बाहर आएगा।
बायलैटरल मुलाकात भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ऑलरेडी बोल चुके हैं कि माहौल अभी ऐसा है नहीं, आतंकवाद को लेकर उन्होंने काफी स्टेटमेंट्स दिए, तो आपको क्या लगता है कि ऑन द साइडलाइंस कुछ भी होगा या स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल नहीं? जी ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो कोई बायलैटरल प्लान नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ बात करने के लिए। ये थी मुमताज ज़हरा बलोच जो आज तक के साथ एक्सक्लूसिवली बात कर रही थी। विदेश मंत्री ने बीती रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आगे आकर जयशंकर से हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर क्या बातचीत हुई सामने नहीं आई। जयशंकर भले ही कह चुके हों कि वो पाकिस्तान में हो रहे एससीओ की बैठक में पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में भारत से बातचीत की गुहार जरूर लगाई है। इसकी शुरुआत जयशंकर के पाकिस्तान पहुंचने से पहले हो गई थी। पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने सबसे पहले स्मॉग की समस्या से निपटने के लिए भारत से बातचीत की जरूरी बताया, कहा कि भारत के साथ जलवायु कूटनीति होनी चाहिए। इसके बाद उनके पिता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर जयशंकर की जगह नरेंद्र मोदी आते तो अच्छा होता। गीता मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है वहां से पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रही। गीता, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन देखिए पाकिस्तान की तो जरूर कोशिश है कि किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो जलवायु से जुड़ा हुआ मुद्दा क्यों ना हो, लेकिन एक बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच हो, लेकिन भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। देखिए भारत का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। डॉक्टर जयशंकर यहाँ आने से पहले ही कह चुके थे कि इस बार कोई बायलैटरल कॉन्वर्सेशन भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं हो सकती, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान यहाँ पर 27 इयर्स के बाद एक ऐसा समिट होस्ट कर रहा है। इससे पहले ऐसा समिट पाकिस्तान ने कई साल पहले होस्ट किया था, तो उनके लिए ये एक मैटर ऑफ प्राइड है। वो चाहते हैं कि ये स्मूथली हो जाए, कि कोई इंसिडेंट ना हो, और इसीलिए जो कंट्री स्टेटमेंट्स होने वाले हैं उसमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान भारत को लेकर या फिर रीजनल जो इश्यूज है उसको लेकर क्या बोलने वाला है। कहीं ना कहीं हमें लगता है डॉक्टर जयशंकर, क्योंकि चाइना भी रूम में होगा, पाकिस्तान भी रूम में होगा, रूस भी रूम में होगा, तो अपनी बात जरूर रखेगा, चाहे वो आतंकवाद का मसला हो या फिर सीपैक यानी कि कनेक्टिविटी को लेकर, सीपैक बीआरआई कॉरिडोर की बात करें, जहां पर जो सीपैक चाइना और पाकिस्तान का कॉरिडोर है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू जाता है, जिससे भारत को काफी मसला है। तो बायलैटरल कॉन्वर्सेशन तो इस बार नहीं होने वाले। भारत ने और डॉक्टर जयशंकर ने काफी साफ तरीके से कह दिया है कि ये प्रायोरिटी नहीं है उनके लिए। प्रायोरिटी सबसे पहले है स्टेबिलाईजेशन और आतंकवाद का खात्मा। तो भारत अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। प्रायोरिटी था कि एससीओ में ऐसा एक समिट ना हो जहां पर भारत कॉम्प्रोमाइज नजर आए, क्योंकि 2017 में जब पाकिस्तान और भारत मेंबर्स बने थे तब चीन और रूस को भारत और पाकिस्तान ने क्लियरली कह दिया था कि अपने आपसी मामलों की वजह से एससीओ को कोई भी इम्पेडिमेंट एससीओ के लिए नहीं खड़ा करेंगे, और वही नजर आ रहा है जिस वजह से फिजिकली डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद में है। और अभी कुछ ही देर पहले शहबाज शरीफ ने फिर से उन्हें वेलकम किया, दोनों ने हाथ मिलाया, और अब जो ऑफिशियल सेशन है वो शुरू होने वाले हैं। ओपनिंग रिमार्क्स होंगे, शहबाज शरीफ खुद बोलेंगे, और उसके बाद कंट्री स्टेटमेंट्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गीता मोहन तमाम जानकारी के लिए। वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने जयशंकर का जबरदस्त इस्तकबाल किया है। आपको याद होगा कि जब बिलावल गए थे और जयशंकर से हाथ मिलाने का कहा था तो दोस्तों जयशंकर ने आगे से हाथ जोड़ दिए थे। आप इसे नॉर्मल कह सकते हैं क्योंकि उनका रिलीजन है वहाँ पर दोस्तों नमस्ते किया जाता है, जो कि हाथ जोड़ कर किया जाता है। लेकिन कल जब शहबाज शरीफ ने जयशंकर को हाथ मिलाया तो वो देखता रह गया, वो बड़ा परेशान हो गया, और उसके मुंह से पैनिक उभर कर सामने आ रहा था। वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान में उन्हें इतनी इज्जत दी जाएगी कि उन्हें हाथ मिलाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कास्ट सिस्टम है इंडिया में और जयशंकर कास्ट सबसे घटिया कास्ट मानी जाती है। जयशंकर बेशक वहां का वजीर खारजा बन चुका है, लेकिन वहां पर जब इसे इज्जत नहीं मिली और पाकिस्तान ने जब इसे इज्जत दी तो दोस्तों इस बंदे का मुंह खिलकर सामने आ गया है और ये खुश हुआ है। ये पाकिस्तान में आकर इतना सेफ फील कर रहे हैं कि सुबह इन्होंने उठकर बाहर निकले हैं और दोस्तों सुबह की मॉर्निंग वॉक की है। कल जब ये आए थे पाकिस्तान के वजीर खारजा के फॉरन ऑफिस के डिप्टी कमिश्नर ने जाकर इनका
इस्तकबाल किया, बच्चों ने इन्हें फूल दिए और दोस्तों ये इतना खुश हो गए, इतना इनमें सिवाक आ गया कि इन्होंने वहां पर चश्मा काला निकाल कर लगा दिया और इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये पाकिस्तान में आकर बड़े खुश हैं, बड़े सेफ फील कर रहे हैं और अगर सेफ फील न करते तो अपने होटल से निकल कर जिना गार्डन की तरफ ये सुबह मॉर्निंग वॉक कभी भी न करते। इन्होंने सुबह मॉर्निंग वॉक की है और पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इन्हें हाथ मिलाकर इनकी इज्जत में इजाफा कर दिया है। इससे पाकिस्तान की इज्जत में भी इजाफा हुआ है कि पाकिस्तान सभी को इक्वली ट्रीट कर रहा है। और दोस्तों एससीओ की कॉन्फ्रेंस अभी जारी हो चुकी है, ईरानी खिताब भी आ चुका है, चाइनीज ने भी अपना बयानिया दे दिया है। अब जयशंकर साहब की बारी आएगी, देखा जाएगा कि वो यहाँ पर आकर क्या कहते हैं।